विनोद के पास मौका और हमारी सम्मानित मंच पे उपस्थित मैं सादे निवेदन करूंगा अब्दुल रजाक अंसारी मेमोरियल की वेसर सम्मान हमारे बीच उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथियों को शुभारंभ हुआ था और कल आपने देखा कि किस प्रकार पूरे मैच में और लगभग दो मिनट पहले सेंट जॉन्स रांची पूरे मैच में शानदार खेल लेकिन हर एक अटैक का कमाल का सेव देखने को मिला बहुत अच्छा सेव यहां पे बेल को लॉन्ग टारगेट स्पोर्ट्स परियातू के लिए एडर की सर्वर यहां पे और डी के अंदर और गोल एरिया के आसपास अभी भी खतरे के रूप में मंडराती हुई लेकिन अभी इस खतरे से बाहर निकलने का प्रयास 17 जर्सी नंबर ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है मौके की तलाश में अभी भी और भाई और झारखंड ज्योति क्लब चित्तू जर्सी नंबर 10 के द्वारा यहां पे मौका बन सकता है क्या क्रमांक का यहां पे ड्रिबलिंग और ये क्रॉस भी लेकिन गोलकीपर आसिफ को फेर नहीं और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का आगमन हो चुका है बहुत बहुत स्वागत है माननीय श्री राजीव सिंह इंस्पेक्टर मोरमांझी थाना से वे हमारे सम्मानित मंच पे उपस्थित हैं बहुत बहुत स्वागत अब्दुल रजाक अंसारी सागे के बाद यहां पे जर्सी नंबर समीर अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया है ये मौका बन सकता है सागे गेंद के साथ ये मैच का पहला हाफ राजा स्पोर्ट्स परियातू के सामने झारखंड ज्योति क्लब चित्तू आसी एक अच्छा शॉट ये दूर से ही क्रॉस लेकिन क्रॉस बार को थोड़ी सी ऊंचाई से गेंद निकली है
बहुत ही करीब पहुंच चुके थे मनोहर के द्वारे। एक और बात, मनोहर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास हुआ, लेकिन और ये शॉट हालांकि इस बार दूर से ही प्रयास था, ये क्रॉस देखने को मिल सकता था। बहुत ही कमाल का स्किल है इनके पास, ये दूर से ही प्रयास किया मनोहर ने, लेकिन दिशा को सही रख नहीं पाए और काफी वापस आने का। एक अच्छा पास यहां पे, ये थोड़ा सा गलत तरीका जो कि सब थोड़ा सा समय लेके, हालांकि जिस प्रकार एक रक्षा पत्ती आपको नजर आई उस रक्षा पत्ती को भेज नहीं पाए। थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, दूर से ही प्रयास जेसी नंबर 9 विनोद है, लेकिन थोड़े से आगे निकल चुके थे और सीनियर कोई परेशानी नहीं यहां पे। ये शॉट देखिए जेसी नंबर 10 तो ही 10 ने कर दिया है बस, गोल पोस्ट पे तैनात और बिल्कुल हिलने तक का समय नहीं और बिल्कुल गोल पोस्ट की कोने में गेंद और ये पहला गोल इस मैच का जो कि राजा स्कोर। तो ही इसके पास मौका और क्या कमाल का ये फिनिशिंग टच आता हुआ, एक और गोल और ये दर्शकों की शोर गुलाब सुन सकते हैं हिलवा के इस फुटबॉल मैदान में, एक और गोल मार दिया है राजा स्पोर्ट्स बरियादों की टीम जो अब तक
विनोद के पास मौका और खेल को रोक नहीं पाएंगे। एक और गोल यहां पे विनोद के इनाम और ये दूसरा गोल और कुल मिला के ये तीसरा गोल आता हुआ। नीतीश थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते थे जर्सी नंबर 13 बरियातू के। एक अच्छा अटैक है फॉर्मेट की खिलाड़ी जो कि अच्छे फॉर्म में बरियातू की आज और ये पहला गोल आता हुआ। बहुत ही लाजवाब शॉट यहां पे गेंद गोल पोस्ट के अंदर चली गई है और अब ये जो इसको कृतिमय जो कि अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे थे के बाद अब अंकित थोड़ा सा समय लेते हुए शकाने का प्रयास ड्रिबलिंग थोड़ा बहुत माकू चीज नहीं थोड़ी सी गति तेज हो गई खिलाड़ी को जर्सी नंबर 18 वाले की रोकने का प्रयास और ये थोड़ी सी हलचल यहां पे बनती हुई ऑल एटीएम रनिंग कौन सा यहां पे फिनिशिंग टच को बेहतर कर सकते थे एक अच्छी पोजीशन पे और गोल एरिया के बिल्कुल नजदीक एक अच्छा पास निकाला यहां पे और ये 5 मिनट का ठीक समय लेकिन इस बार डिफेंस पर बालो चीन की दीवार उसको खेल नहीं पाए जी क्लोजिंग विसल के साथ इस मैच को राजा स्पोर्ट्स बरियातू ने जीत लिया है। अपने पहले मैच को जीत लिया है जागरण ज्योति क्लब चित्तू जैसे